खरगोन शहर में आज सुबह एक नागा साधु ने शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी और शिवडोला समिति के अध्यक्ष नवनीत भंडारी उर्फ निम्बू सेठ से 4 तोले सोने की चेन लेकर रफू चक्कर हो गया। दरअसल विश्व शिखा कॉलोनी में सुबह अपने घर के बाहर नियमित रूप से निम्बू सेठ गाय को खाना खिला रहे थे। इस दौरान कार में बैठे नागा साधु बाबा ने रामकृष्ण कॉलोनी का पता पूछकर पास बुलाया, फिर अपने छल से व्यापारी को प्रभावित किया। पहले एक सिक्का दिया, फिर एक रुद्राक्ष की माला दी, करोड़पति बनने का आशीर्वाद के नाम पर हाथ की अंगूठी चूमी। इस दौरान व्यापारी भंडारी के गले से सोने की चेन को अभिमंत्रित करने के नाम पर ले ली। कार के पास हाफ पैंट और बनियान में खड़े व्यापारी खड़े खड़े रह गए। नागा साधु कार से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कार में नागा साधु के अलावा ड्राइवर और एक व्यक्ति और बैठा था। व्यापारी निम्बू सेठ ने SP धर्मवीर सिंह को मोबाइल पर सूचना दी। मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी करा दी है, लेकिन अभी तक नागा साधु का पता नहीं लगा है। पूरी घटना CCTV में भी कैद हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि नागा साधु ने व्यापारी को सम्मोहित कर घटना को अंजाम दिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये क्या घटना घटी आपने? मैं सवेरे बाहर गाय के लिए खिचड़ी पूरी डालने आया था। इधर यूको बैंक तरफ मेरा मुँह था, ये गाड़ी में आया, इन्होंने पूछा कि भाई राधा कृष्ण कॉलोनी किधर है। मैंने राधा कृष्ण कॉलोनी इधर कहाँ है, मतलब फिर मेरे को कम सुना था तो मैं नीचे उतर के आया। फिर उन्होंने राधा कृष्ण कॉलोनी कहाँ है, फलाने हम यहाँ के साधु संत हैं, मतलब नांगा बाबा है, मतलब तो फिर गाड़ी पर लगे थराया। फिर पूछे कि हर भैया ये तेरा बच्चा विदेश जा रहा है। मैंने बाबा मेरा विदेश क्यों नहीं आया, कहते सब अच्छे दिन आ गए। मैंने कहा बाबा तेरा मकान नया बन गया, बदलाव हुआ। मैंने मकान तो नहीं बाबा, दुकान बदलाव हुआ बाबा। फिर मेरे को उन्होंने अंगूठी दिया, मैं चुम के वापस जाता था। अंगूठी चुम के पहले एक सिक्का दिया उन्होंने, एक का, फिर एक रुद्राक्ष माला दी मेरे को, फिर उसके बाद एक का सिक्का दिया कि इसको रखना करोड़पति हो जाएगा। मतलब बाद में मेरी अंगूठी हाथ में से ली, उसको चुम के वापस दे दी। बाद में तो एक शादी वाली चेन ली, वही चुम के वापस दे दी। बाद में फिर मेरे सोने की 4 तोले की चेन थी, वो उन्होंने मांगी कि हम देखो वापस देता हूँ, चुम के आगे चल के देता हूँ। धीरे धीरे आगे लेके निकल गए विस्तान गोपाल रोड, विस्तान रोड तरफ निकल गए वो। 4 तोले की आपकी चेन लेकर चंपत हो गए? हाँ, चंपत हो गए। कितने लोग थे उसके अंदर? गाड़ी में 3 लोग थे, मतलब एक नागा साधु था। हाँ। एक ड्राइवर था। हाँ। और एक पीछे सीट पे बैठा हुआ था। गाड़ी का नंबर वगैरह? गाड़ी पर नंबर वगैरह कहीं नहीं थे, मतलब यूँ। तो आपने उस समय कोई चिल्ला चोट नहीं करी? नहीं, मैंने कोई चिल्ला चोट नहीं करी। मैंने कहा आगे जाके दे देंगे अपने को, ये समझाते जब चेन सादी चेन और अंगूठी वापस दी तो मैंने यही वापस दे देंगे, यही समझा मतलब। फिर आपने पुलिस को? फिर मैंने फ़ोन लगाया SP साहब को, फ़ोन लगाया मतलब मैंने SP साहब ने, फिर तुरंत खबर भी कर दी 7:50 की घटना है, 7:53 का SP आपको मेरे फ़ोन से बात भी हो गई, मतलब 10-15 मिनट बाद SP आपको खबर भी कर दिया। उन्होंने सब दूर वायरलेस भी करा दिया SP साहब ने। CCTV वगैरह में आ गए होंगे? CCTV के कार की फोटो आ रही है, मतलब कार में से वो लोग नहीं उतरे, कार में नीचे ने गाड़ी में बैठ के उन लोगों ने बात करी थी। मतलब क्या नाम आपका? नवनीत भंडारी। कहाँ रहते हैं? यहीं विश्व शिखा कॉलोनी में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।